देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पटना में स्पाइसजेट के विमान के इंजन में लगी आग के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, करीब 20 मिनट हवा में रहा जहाज, विमान में मौजूद सभी 185 लोग सुरक्षित। हवाई जहाज से धुआं निकलता नजर आया, आग की खबर से अफरा तफरी मच गई थी, विमान पटना से दिल्ली आ रहा था। हवाई जहाज में सवार यात्रियों के चेहरे पर खौफ दिखा, सुरक्षित लौटने के बाद लोगों ने भगवान और पायलट का शुक्रिया जताया। पीएम ने स्वच्छता का संदेश दिया, प्रगति मैदान में टनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सफाई की। दिल्ली वालों को आज से जाम से मिलेगी राहत, पीएम मोदी ने प्रगति मैदान टनल और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रेकी करने वाले संदीप सिंह उर्फ केकड़ा की जेल में पिटाई हुई है, संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मुक्तसर जेल भेजा गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना का पुलिस के सामने कबूलनामा, पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले मूसेवाला की 2 बार रेकी की थी, जनवरी में पहली बार रेकी करने की बात कही। मूसेवाला हत्याकांड में मानसा पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई और मनमोहन सिंह उर्फ मोहना से आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान के टोंक जिले में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई, बारिश के बाद शहर में कई फीट तक पानी भर गया, बाढ़ के पानी में कई गाड़ियां फंस गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई, वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुवाहाटी में दरिया में तब्दील हुई सड़कें, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। असम के गोवालपारा में बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसे हालात, बाढ़ के पानी में डूबा पूरा इलाका, नाव के सहारे जिंदगी। बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा के बिगड़े हालात, अगरतला में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की टीम जुटी। असम के बंगाईगांव में आसमानी आफत का कहर, भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, सुरक्षित जगह पर बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाया जा रहा है। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात, मंदिर में घुसा सैलाब, धार्मिक प्रतीकों को विधि विधान से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। असम के नगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात, कामपुर में कुछ इलाकों में कई फीट तक पानी भरा, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। असम के बजनी में आई भारी बाढ़ के बाद जिले के 3.5 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। पहुमारा नदी के बाढ़ के पानी में भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों को जलमग्न कर दिया है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर पूर्व में हो रही भीषण बारिश की वजह से असम की ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर है, जिसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। रेलवे ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से चलने वाली ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ का कहर जारी है, उधमपुर में रावी नदी में अचानक आई बाढ़ में कई जानवर फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। अगरतला में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ आ गई है, त्रिपुरा में नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद अगरतला के मुख्यमंत्री मानिक शाह एक्शन में आ गए हैं। मानिक शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर राहत और बचाव काम का जायजा लिया। केदारनाथ में हो रही बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है, हेलीकॉप्टर सेवा रोके जाने से श्रद्धालु परेशान दिखाई दिए। मुंबई में बारिश के साथ आफत भी आई, सुबह चेंबूर के भारत नगर इलाके में चट्टान खिसककर घरों पर गिरी, हादसे में 2 लोग घायल हो गए। यूपी में योगी सरकार से चर्चा में आए बुलडोजर का बढ़ा क्रेज, बहराइच में बुलडोजर पर सवार होकर दूल्हा शादी करने पहुंचा, बुलडोजर के सामने डांस करते नजर आए लोग। यूपी के अलीगढ़ में युवक की दबंगई का मामला सामने आया है, यूनिवर्सिटी में रंगदारी नहीं देने पर छात्र को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में सड़क पर पानी भरने की वजह से खुले नाले में गिरे स्कूटी सवार पति पत्नी, नगर निगम की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा, छत गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल, स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। यूपी के मऊ में ट्रांसफार्मर अचानक धूं-धूं कर चलने लगा, ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूपी के ललितपुर में रेलवे लाइन पर पार कर रही बुजुर्ग के लिए देवदूत बना RPF जवान, मौत के मुंह से खींचा, बाल बाल बची महिला की जान। छत्तीसगढ़ के भाटापारा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसला, शख्स प्लेटफॉर्म ट्रैक के बीच फंस गया, RPF के जवान ने खींचकर जान बचाई, घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई।
यूपी के मैनपुरी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष को हमलावरों ने गोली मार दी। गौतम कठेरिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ योजना की डिटेल जारी कर दी है। सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। अग्निवीरों को साल में 30 छुट्टियां मिलेंगी। अग्निवीरों को कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। यूपी के चंदौली में आज भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कई जगह उपद्रवियों ने काटा बवाल। आलमपुर में जीप फूकी गई। सहारनपुर में अग्निपथ के विरोध के मामले में पुलिस ने व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि उपद्रवी सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सहारनपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने युवाओं को भड़काने की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक NSUI का जिलाध्यक्ष भी शामिल है। यूपी के कानपुर में हिंसा फैलाने की साजिश नाकाम। व्हाट्सएप पर पुलिस चौकी को उड़ाने की प्लानिंग करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के कानपुर में पुलिस चौकी उड़ाने की साजिश के खुलासे के बाद एक्शन में पुलिस। शहर में भारी संख्या में पुलिस ने पैदल मार्च किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस की पैनी थी नजर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 बदमाशों को दबोचा। उनके पास से 8 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा से आई हैरान करने वाली खबर। गुडेरा गांव में बिजली जमा नहीं करने पर बिजली का बिल कनेक्शन काटने पहुंची विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट की गई। सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत भी की। पंजाब के लुधियाना में ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। STF ने अलग अलग मामलों में 4 किलो 240 ग्राम हेरोइन बरामद की। एक महिला समेत 6 गिरफ्तार किए गए। कानपुर में थाना कोहना इलाके में गंगा बैराज में नहाने आए 10 में से 2 छात्र डूब गए। एक छात्र को बचा लिया गया, जबकि दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास एक तीर्थयात्री की खाई में गिरने से मौत हो गई। शनिवार देर रात भी गौरीकुंड के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया था। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक्साइज डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। गोवा से सोलापुर आ रही गाड़ी से 8.5 लाख की विदेशी शराब जब्त। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। MP के इंदौर फायर ब्रिगेड में तैनात फायरमैन की अनोखी पहल। गरीब स्टूडेंट्स को निशुल्क फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब तक 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स सेना और पुलिस की सेवा में आ चुके हैं। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे की आज सर्जरी होने वाली है। सर्जरी को सफल बनाने और राज ठाकरे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मुंबई में हवन किया गया। देश में कोरोना केस में उछाल जारी। पिछले 24 घंटे में 12,899 नए केस। महामारी से 15 संक्रमितों ने तोड़ा दम। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को देखते हुए योग शिविर लगाया गया। शिविर में योग गुरु रामदेव और गुजरात के राज्यपाल के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। यूपी के मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां तेज। कॉलेज स्टूडेंट्स योगाभ्यास करते हुए नजर आए। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटा भारतीय दूतावास। वॉशिंगटन DC में योग शिविर का आयोजन किया गया। भारी संख्या में योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साइकिल से गिर गए। हादसे के बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला। बाइडेन के गिरने का वीडियो सामने आया है। अच्छी बात यह रही कि उनको कोई चोट नहीं आई।